नई पौधे आ गई हैं, कितनी इसका पेस्ट भी झूले पे बैठ के हो रहा है। जल्लाद वो खुद है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप सभी। आज मेरा सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का मन था तो मैंने सुबह की चाय से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। चाय बनकर रेडी है, बस छाननी ही बाकी है। कप मैंने लगा लिए हैं और आज मैं नाश्ते में कर रही हूँ मूली के पराठों की तैयारी, क्योंकि हैवी नाश्ता होना ज़रूरी है, आर्यन को स्कूल जाना है। आप सब भी पी लीजिए, बढ़िया गर्मा गर्म चाय अदरक वाली तैयार हो चुकी है। इतना पागलपन देखा होगा आपने किसी बच्ची में। इसका पेस्ट भी झूले पे बैठ के हो रहा है। नहाने जा रही है ये और झूले पे पेस्ट कर रही है। हेलो बुलाओ सबको, हेलो गुड मॉर्निंग बुलाओ। झूले की इतनी दीवानगी है इसे, ये नहाने जा रही है तो पेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो वो भी डांस करते करते झूले पे हो रहा है इसका। मैनू लहंगा ला दे महंगा सा मर जानिया, ये क्या हो रहा है इधर, एने पैसे बस तू किथे लेके जानिया। ये देखो ये हैं आजकल के बच्चे, डांस भी हो रहा है। हेलो गुड आफ्टरनून सभी को, कैसे हो आप सभी। सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे, है ना। सभी मस्त हैं ना अपने जीवन में। मैं भी आज स्वस्थ हूँ, कल थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई थी, कभी कभी हो जाती है। मेरी हेल्थ इशू कुछ इस तरह के चल रहे हैं तो उससे कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं आज काफ़ी ठीक हूँ। और आप सब बताइए, आप सबके यहाँ कैसे हैं हाल चाल, आप सबके बढ़िया है ना। और मनुष्य भी काफ़ी ठीक है, उसके कान काफ़ी ठीक हैं। और विशेष बात जो करनी है वो ये करनी है मुझे आपसे कि आप सबके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि सुबह में बहुत तेज़ कोहरा रहता है और उस कोहरे के बाद धूप निकल जाती है, लेकिन धुंध सी रहती है चारों तरफ। अगर छत पे जैसे कपड़े वगैरह फैलाने के लिए मैं जाती हूँ दोपहर में, 1 बजे भी अगर जाती हूँ तो चारों तरफ धुंध रहती है। आपके यहाँ भी ऐसा ही मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही मौसम हो रहा है, और हाफ स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगा, और सुबह में तो फुल पहनना पड़ता है और स्टॉल भी लेना पड़ता है। मैं तो कान ढक के रखती हूँ क्योंकि थोड़ी सी भी एक बार तो मुझे छत का चक्कर काट के आना ही आना है सुबह में उठने के बाद, लेकिन सूरज नहीं निकल रहा होता है तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो नए नए पौधे उग गए हैं, सॉरी उग गए नहीं हैं, जिनके पत्ते झड़ गए थे तो उन पर नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। आपके यहाँ भी हो रहा है ना ऐसा, तुलसी के पत्ते भी दोबारा से नए आने लगे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे सदाबहार का पेड़ है उस पर भी दोबारा से पत्ते आने लगे हैं। आपके पौधों में भी आ रहे हैं ना, नई नई कोपले खिलने लगी हैं। ऐसे ही जैसे कि मनी प्लांट है, उसमें भी जो पत्ते वैसे पीले पीले होके झड़ गए थे वहाँ से नए पत्ते निकलने लगे हैं और ऊपर से उसके कोपले टूट फूटने लगी हैं। तो बसंती मौसम ऐसा ही होता है ना फरवरी के महीने में। आप सबके यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा ना, जो गमलों में लगी हुई थी तुलसियाँ उनमें नए पत्ते आ गए हैं, और जो कुछ ज़मीन में मेन गेट पर लगी हुई थी तो उस मेन गेट पर जो लगी हुई थी वो सूख गई हैं। ज़मीन में लगने के बावजूद भी वो सूख गई, मुझे बहुत दुख हुआ है। लेकिन जो गमलों में लगी हुई थी वो बहुत अच्छी कोपले निकलने लगी हैं, आप सबको भी दिखाऊंगी मैं। अभी तो फिलहाल मैं मटर छीलने के लिए बैठी हुई हूँ, आपको बैक क्या हूँ। मटर हैं देखिए काफ़ी सारी एक साथ, मैं इसे इसमें छील के रख रही हूँ इसके दाने, और ये मैं ना मटर उसमें रख दूँगी फ्रिज में। जब कभी भी कुछ बनाना होता है तभी उसमें डालो, हाथों हाथ नहीं छीली जाती हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी सब्जी बना, जैसे कि हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो तभी मटर छील लेंगे और तभी वो सब्जी काटेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। कई बार सुबह जल्दी जल्दी भी बनाना पड़ता है, बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। आपके बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं ना, प्लीज़ बताइए ना कमेंट करके प्लीज़। तो मनुश्री अभी नहीं जा रही है, 1 तारीख से जाएगी वो, 1 मार्च से उनको जाना है। और आर्यन जाने लगा है 11 फरवरी से उनके स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो मैं आपको पौधे भी दिखाऊंगी, और एक विशेष बात आपसे करनी है। हाँ एक कल एक कमेंट आ रहा था, उन्होंने मेन गेट पर हमारे देखा है जो स्वास्तिक बना हुआ है, तो उनको वीडियो में ऐसा लगा है कि वो स्वास्तिक उल्टा बना हुआ है, लेकिन वो स्वास्तिक सीधा बना हुआ है। मैं बचपन से ही कर्मकांड में काफ़ी विश्वास रखती हूँ, जैसे कि 16 संस्कार होते हैं, यज्ञ हवन होते हैं, तो उसमें मुझे स्वास्तिक बचपन से ही बनाना आता है, वो गलत नहीं है। वो क्या होता है कि जैसे हम फ्रंट कैमरे से बनाते हैं तो उसमें तो वो सीधा आएगा, और यदि हम इस तरह से बनाएंगे जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे पीछे कुछ भी लिखा हुआ होगा ना तो वो उल्टा आएगा, है ना, होता है ना, सबको पता होगा इस बात का। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊंगी उस चीज़ को। और बाहर जो तुलसी के पेड़ हैं उसमें नई कोपले जो आ गई हैं वो भी आप सबको दिखाने का मन कर रहा है, प्लीज़ देख लीजिए, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं मतलब पौधे जो लगाए हुए हैं घर के बाहर
तो उनमें रोज देखती रहती हूँ। नई नई कलियाँ भी आने लगी हैं। मनुश्री आओ बाहर आओ। तो मैं अभी बाहर आ गई हूँ और मैं अपने पौधे आपको दिखाऊंगी। जैसे कि ये हैं, ये नई कोपले फूटने लगी हैं यहाँ से। ये यहाँ पर है, ये मनी प्लांट है इसमें, और नीचे भी। अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। ये है ना, सदाबहार कहते हैं ना इसको। लेकिन नई नई कोपले फूटने लगी है इसमें भी। हरे हरे पत्ते हो गए, नहीं तो सूखने लगे थे। ये हो गए हैं, और ये भी देखो ग्रीन ग्रीन होने लगा है। और ये तुलसी का पेड़, ये नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं ना। ये आने लगी हैं इसमें नई नई पत्तियाँ, ये आने लगी हैं। ये इतना ऊंचा हो जाता है जी। ये मैंने तुलसी के जो पौधे लगाए हुए हैं सब में नई पत्तियाँ आने लगी हैं। और ये गुलाब की जो लगी हुई है पौधा, इसमें नई कली आने लगी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। ये देखिए, मॉर्निंग में मैं डेली पहले इसी की वीडियो बनाया करती थी गुड मॉर्निंग के लिए, लेकिन अब ये सब सूख गए थे। और ये देखिएगा, मैंने ना बॉर्नविटा के डब्बे पे मिट्टी में ना वो डाल दिए थे गेंदे के, जो फूल होते हैं पक जाते हैं ना वो डाल दिए थे। तो ये नई पौधे आ गई हैं, कितनी सारी पौधे हो गई हैं ना। अब मैं इनको फिर थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे ना तो अलग अलग करके लगा दूंगी। और इसमें तुलसी में भी आ गई हैं। और ये एक और है कोई, पता नहीं इसको नाम क्या कहते हैं, मनी प्लांट नहीं कोई और बेल है, इस पर भी आने लगी हैं। और ये ऊपर लगी हुई है, इसमें भी नई कोपल आने लगी है। और अब मैं आपको वो स्वास्तिक दिखाऊंगी, बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी और फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी। लेकिन बाहर देखती हूँ, यदि कोई होगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। वो बड़े ध्यान से देखते हैं वो लोग। बाहर निकलने के बाद ना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, सिर्फ दिखाऊंगी। एक बार ऐसे कैमरे से दिखाऊंगी बैक करके, और एक बार फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी। ओके, ये देखिए आप, ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा ना आपको, ये उल्टा लग रहा होगा ना। देखिए मेरे दोनों ही गेट के दोनों तरफ ही स्वास्तिक बने हुए हैं। एक ये है, ये उल्टा दिख रहा होगा ना। अब मैं आपको इसे कैमरा बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये सीधा लग रहा है ना, और दूसरी साइड भी। ये देखिए, अब आपके मन में जो भी शंका होगी उसका समाधान हो चुका होगा। ठीक है, जब हम उसको फ्रंट कैमरे से देखते हैं तो वो सीधा नज़र आता है, लेकिन इस तरह से बैक कैमरे से देखते हैं ना, जैसे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है इस तरह से, तो इसीलिए उनके मन में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। लेकिन मुझे लगा कि मुझे उन्हें बता देना चाहिए, हो सकता है किसी और के मन में भी ये चीज़ आ रही होगी कि ये स्वास्तिक उल्टा बना हुआ है। लेकिन वो स्वास्तिक उल्टा नहीं, सीधा ही बना हुआ है। दोनों फ्रंट पे, दोनों ही पिलर जो होते हैं ये, इन दोनों पर ही स्वास्तिक बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, मैं मटर छील लेती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। आपके कान सही है ना अभी मनुश्री? अभी आपका हाथ लग गया। मेरा हाथ लग गया था अभी, है ना, कोई नहीं, ऐसे तो लग ही जाता है, पर अब सही है ना। तो तेल कौन लगाता है आपके कान में, जल्दी बताओ। पापा। पापा लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं? ये देखिए, इसमें इन्होंने तेल लिया हुआ है सीरीज में, और इस सीरीज से मनु के कान में तेल लगाते हैं ताकि मनु को बिल्कुल भी दर्द ना हो। ड्रॉप करके डाल लेते हैं और फिर आगे भी लगा देते हैं, पीछे की तरफ से भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे मनु को दर्द ना होने पाए। और आज मनु ने पहनी है फ्रॉक, दिखाओ जरा। ये देखिए, मनु ने फ्रॉक पहनी हुई है। मेरी बेटी को जीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे फ्रॉक पहनना पसंद है ज्यादातर, वो ज्यादातर फ्रॉक पहनना चाहती है। अच्छा लगता है ना फ्रॉक। सभी मम्मी पापाओं की बेटियां रानी होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो जीवन में कलंक भी लगा देती हैं। कलंक क्या लगा देती हैं? अपने माँ बाप का जीवन तक ले लेती हैं, अपने भाई भाइयों का, भाभी का, भतीजे का, मम्मी पापा का जीवन तक ले लेती हैं। आप जान रहे हैं ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मनुश्री आप जाओ जरा, मुझे थोड़ी सी सीरियस बात करनी है। ठीक।
मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ शबनम के बारे में। कुछ औलाद इतनी कलंकित होती है ना, एक तो बेटियों को वैसे ही समाज नहीं चाहता है। मैं बिल्कुल कड़वा सच बोल रही हूँ ना ये, कि बेटियों को बिल्कुल नहीं चाहा जाता है। अगर एक बेटी हो जाती है तो दूसरी बेटी कोई नहीं करना चाहता अपने घर में। पता नहीं, ये मानिए कि बस इस बारे में तो खैर अलग ही मुद्दा है। ये कुछ मुद्दे ऐसे सामाजिक हैं, हमारे सामाजिक बुराइयाँ ऐसी हैं कि जिसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। अगर हम बात करते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। बुरे बनने के डर से कोई बात ही नहीं करना चाहता इन मुद्दों पर। लेकिन कुछ बेटियाँ ऐसी हो जाती हैं जो कलंक लगाती हैं, माँ बाप का कलेजा फटता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन वो कैसी, कितनी कैसी लड़की रही होगी, कैसी बेटी रही होगी जो अपने माँ बाप का, भाइयों का, भाभी का, 10 महीने के भतीजे तक का मर्डर कर दिया है उसने, ये बताइए शबनम, जिसको फांसी लगने वाली है। हमारे आज़ाद भारत में पहली महिला होगी जिसको फांसी होने जा रही है। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्म की बात है ये कि महिला होते हुए उसने ऐसा किया है। अब वो बेटे से गुहार लगवा रही है। किस लिए लगवा रही है भाई? तू बेटे की सगी होगी तो क्या वो अपने बेटे को बख्श देगी? वो कल को किसी और फायदे के लिए अपने बेटे का भी कत्ल कर देगी? ऐसी महिला को अपने बेटे के साथ रहने का कोई हक नहीं है। अब बेटे को बख्श देगी? वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी अपने बेटे को। वो अपने बेटे को भी खा जाएगी जैसे पूरे परिवार को खा गई है। का नाम तक लेना भी कोई अपने मुंह से अच्छा नहीं समझता। मैं किस लिए कर रही हूँ उसकी बात? क्योंकि वो जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से रही है, वहाँ पर भी मैं रही हूँ। 3-4 साल मैं वहाँ पर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी वहाँ पर, मैं रही हूँ। 52 खेड़ी गाँव है उसका, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस समय वो रामपुर जेल में बंद है, जहाँ से मैं हूँ, रामपुर से यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जेल में बंद है वो। अब आप बताइए कि खून खौलता है या नहीं खौलता है? बेटियों के नाम को कलंकित किया है ना उसने। एक तो बेटियों को समाज वैसे ही नहीं पसंद करता है। वो जल्लाद उसका मर्डर, वो जल्लाद उसे फांसी नहीं देगा। जल्लाद वो खुद है, शबनम खुद जल्लाद है। उसने खुद अपने घर वालों को जो खा लिया है, अपने खुद घर वालों के ऊपर जो कुल्हाड़ी चला सकती है, वो बताइए किसे बख्श सकती है? वो जल्लाद तो जिसे फांसी लगाता है वो तो अनजान होता है उसके लिए। उसने तो अपनों के लिए ही, अपनों के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी है। वो तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है कोई जल्लाद। जल्लाद तो बहुत छोटा शब्द होगा उसके लिए। बहुत गुस्सा भरा हुआ है अंदर। उसको अब तक फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरह से उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। वो तो अपने बच्चे, जो अपने माँ बाप को खा सकती है वो बच्चों को नहीं खाएगी अपने। जो अपने माँ बाप का मर्डर कर सकती है, बच्चे का मर्डर नहीं करेगी कल को किसी और। आज इसके लिए कर लिया है, सलीम के लिए अपने माँ बाप को कर दिया है उसने, कुल्हाड़ी से काट दिया है। कल बच्चे के लिए किसी और को, बच्चे को किसी और सुख के लिए काट देगी वो। तो क्यों रखा जाए उस बच्चे के साथ भी उसको? उसको किसी के भी साथ नहीं रखना चाहिए, कैदियों के साथ भी नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। आगे जो कानून व्यवस्था है ये हमारी, जो ढीली है बिल्कुल, जो आज तक वो जिंदा भी हैं, जो हैंड टू हैंड इतने सारे सबूत उसने खुद गिनवा दिए थे, खुद ने उसने कबूल किया था कि हाँ मैंने खुद मारे हैं, पहले प्लानिंग की थी, पहले जहर दिया था। जिसने डिटेल नहीं देखी होगी वो टीवी पे और न्यूज़ पे खूब आ रही है, कई दिन से आ रही है। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं समाज के कि हम लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। और वो ऐसे के ऐसे ही ढर्रे चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ऐसे ही ये कुरीतियाँ चलती रहती हैं। कोई बात नहीं करना चाहता, यदि कोई करता है तो कमेंट में उसी को गलत बता दिया जाता है। ये मेरा अपना मत है, आपका जो मत होगा वो आपका होगा। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर अभी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपको अच्छा ना लगा हो कोई बात नहीं है, नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मन की बात कहने का हौसला रखिएगा। हो सकता है अपोजिट भी हो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है मेरे हिसाब से गलत हो तो आप सही बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या पहलू होना चाहिए, ठीक है ना? तो फिर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नई नई वीडियो के लिए आते हैं, मिलते हैं कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।